हेलो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस गर्भ में। हम सब लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी कर रहे हैं घटनाचक्र से। घटनाचक्र का आज होगा आर्थिक भूगोल, जो कि कृषि और पशुपालन है आर्थिक भूगोल में। तो सबसे पहले हम कृषि और पशुपालन देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे देखेंगे खनिज सब। तो देखिए, कृषि एवं पशुपालन धान्य फसलें मानव के भोजन का प्रमुख स्रोत है। मतलब कि धान्य फसलें जो है, कृषि और पशुपालन इसका हेडिंग हुआ। धान्य फसलें मानव के भोजन का प्रमुख स्रोत है। इनमें प्रमुख फसलें चावल, गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, चना, अरहर एवं मूंग है। कौन कौन है इसमें प्रमुख फसलें? गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, चना, अरहर, मूंग है। विश्व स्तर पर मानव के भोजन में गेहूं और चावल का प्रधानता है। विश्व स्तर पर गेहूं और चावल की काफी प्रधानता है, ठीक है। देखिए, चावल जो है आर्द्र उपोष्ण तथा उष्ण जलवायु का पौधा है। चावल किसका कैसा पौधा है? आर्द्र उपोष्ण तथा उष्ण जलवायु का पौधा है, इसलिए विश्व के आर्द्र क्षेत्रों में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। हालांकि सिंचाई के द्वारा यह शुष्क क्षेत्रों में भी उगाया जाता है। अधिकांश चावल क्षेत्रों में चावल खरीफ फसल है, जो नवंबर दिसंबर में काटी जाती है, परंतु जावा में चावल की फसल अप्रैल में काटी जाती है। जावा में चावल की फसल कब काटी जाती है? अप्रैल में काटी जाती है। देखिए, तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून की वर्षा कारण अप्रैल मई में चावल की फसल काटी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय धान जीन बैंक अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान लॉस बनॉस फिलीपींस में स्थापित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? फिलीपींस में, जो लॉस बनॉस के फिलीपींस में, ठीक ना? लॉस बनॉस, हाँ, लॉस बनॉस के फिलीपींस में। देखिए, 2020 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में चावल के 5 शीर्षतम उत्पादक देश बताइए। पहला चीन, पहला होगा चीन, दूसरा भारत, तीसरा बांग्लादेश, चौथा इंडोनेशिया और पांचवा वियतनाम। पहला कौन है चावल उत्पादन में? चीन, दूसरा भारत, तीसरा बांग्लादेश, चौथा इंडोनेशिया और पांचवा वियतनाम, ठीक है। अद्यतन स्थिति FAO 2020 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक धान उत्पादक कौन है? ऑस्ट्रेलिया की। FAO 2020 के अनुसार सर्वाधिक धान उत्पादन कौन है? ऑस्ट्रेलिया की है, ठीक है। और इस संदर्भ में तजाकिस्तान का दूसरा स्थान है। गेहूं वस्तुतः शीतोष्ण जलवायु का पौधा है। गेहूं किस पौधे का? शीतोष्ण। किस जलवायु का? शीतोष्ण जलवायु का पौधा है गेहूं। इसकी कृषि का सर्वाधिक विस्तार उत्तरी गोलार्ध में 60 डिग्री अक्षांश तक एवं दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश तक है। गेहूं जो है किस जलवायु का पौधा है बताइए? ये जो गेहूं जो शीतोष्ण जलवायु, हाँ, और इसके गोलार्ध, मतलब कि गोलार्ध का विस्तार बताइए गेहूं का। 60 डिग्री अक्षांश से लेकर, मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में 60 डिग्री और दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के बीच गेहूं का उत्पादन होता है, ठीक है। विश्व में गेहूं के 5 शीर्षतम उत्पादक देश बताइए। चीन, भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। कौन कौन है सबसे ज्यादा? चीन, भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, हाँ, तब कनाडा। कनाडा, चीन, भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। गेहूं उत्पादन में भी चीन पहले स्थान पर और चावल उत्पादन में भी चीन पहले स्थान पर विश्व में, ठीक ना। अब देखिए, विश्व में देखिए, अब गन्ना के लिए उष्ण कटिबंध विशेषकर मानसूनी जलवायु में अनुकूल दशा प्राप्त होती है। गन्ना के लिए उपोष्ण कटिबंध, गन्ना के लिए कैसा कटिबंध चाहिए? और मानसूनी जलवायु चाहिए। कैसी जलवायु चाहिए? मानसूनी जलवायु चाहिए गन्ना के लिए, उपोष्ण कटिबंध और मानसूनी जलवायु चाहिए, ठीक ना। इसके लिए औसत सेंटीग्रेड, देखिए, इसके लिए तापमान होना चाहिए गन्ना के लिए 21 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक ना। हाँ, और वर्षा 75 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए। FAO वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार 5 शीर्षतम गन्ना उत्पादक देश बताइए। पहला ब्राजील हो गया, भारत हो गया, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, थाईलैंड हो गया। भारत, पहला ब्राजील, हाँ, पहला ब्राजील, भारत, चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड। तो गन्ना उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर कौन है? ब्राजील है, ब्राजील है, तब भारत है, तब चीन है, हाँ। चुकंदर, हाँ, ठीक है। चुकंदर बताइए किस कटिबंध का है? शीतोष्ण कटिबंध। चुकंदर किस कटिबंध का? शीतोष्ण कटिबंध का, ठीक है। और बताइए, चुकंदर किस कटिबंध का है? शीतोष्ण कटिबंध का।
2020 के आंकड़ों के अनुसार चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक देश कौन कौन है? रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके बाद जर्मनी, फ्रांस एवं तुर्की है, ठीक ना? रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका में। बताइए, यूक्रेन में लगभग संपूर्ण चीनी चुकंदर से तैयार की जाती है। यूक्रेन में जो जितना भी चीनी होता है किसे तैयार होता है? चुकंदर से तैयार होता है। कपास जो है उपोष्ण एवं उष्णकटिबंधीय पौधा है। कपास कैसा पौधा है? कपास उपोष्ण या उष्णकटिबंधीय पौधा है। कपास की किस्में रेशे की लंबाई, चमक एवं अन्य विशेषता के अनुसार निर्धारित होती है। छोटे रेशे वाली कपास की लंबाई 22 किलोमीटर से कम होती है, ठीक है? छोटे रेशे वाली कपास की लंबाई कितनी होती है? 22 किलोमीटर से कम होती है। 22 मिलीमीटर से कम होती है। कितना? 22 मिलीमीटर से कम होती है। भारत जो है दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन आदि में अधिकांशतः इसी किस्म की कपास उगाई जाती है। बताइए, भारत में किस किस्म की कपास उगाई जाती है? छोटे रेशे वाला जो 22 मिलीमीटर से कम होता है। और एशिया में भी और चीन में भी। अब देखिए, मध्य रेशे वाली कपास 22 से 40 मिलीमीटर लंबाई के रेशे वाली कपास होती है, ठीक है? विश्व में अधिकांशतः इसी किस्म की कपास उगाई जाती है। देखिए, FAO 2019 के आंकड़ों के अनुसार विश्व के 5 शीर्षतम कपास उत्पादक राज्य, देखिए, पहला स्थान पर भारत, दूसरा चीन, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा ब्राजील, पांचवा पाकिस्तान, ठीक है? पहला भारत, दूसरा चीन, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा ब्राजील, पांचवा पाकिस्तान। ये क्या चीज के उत्पादन में? कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान पर भारत। हाँ, भारत, ठीक ना? अब देखिए, तंबाकू देखिए, ठीक ना? तंबाकू की कृषि के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। तंबाकू की कृषि के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। तंबाकू का खेती, हाँ, इसकी सामान्यतः 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में भली भांति फलता फूलता है। तंबाकू जो है 21 डिग्री से लेकर 27 डिग्री, हाँ, 21 डिग्री से लेकर तापमान जो चाहिए 21 डिग्री से 27, यह उच्च तापमान में होता है तंबाकू, ठीक ना? इसके लिए 100 से 120 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। चीन विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है। चीन क्या है? विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है। चीन जो है विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादन देश है, ठीक ना? खाद्य एवं कृषि संगठन के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में तंबाकू का उत्पादक राज्य कौन है? चीन है। दूसरा नंबर पर भारत है, तीसरा नंबर ब्राजील है, ठीक ना? चौथा हम जिम्बाब्वे है, पांचवा हम इंडोनेशिया है, ठीक हो गया? रबर देखिए, भूमध्य रेखा के सदाबहार वनों में पाए जाने वाले लेटेक्स से प्राप्त होता है। रबर किससे प्राप्त होता है? लेटेक्स से। किससे प्राप्त होता है? लेटेक्स, वही लेटेक्स से, जो कि भूमध्य रेखा के सदाबहार वनों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? भूमध्य रेखा के सदाबहार वनों में रबर पाया जाता है। रबर जो है ना उष्ण कटिबंधीय पेड़ है। इसके लिए 25 से 30 सेंटीग्रेड तक वर्षा की जरूरत, मतलब कि तापमान होता है 25 से 30 सेंटीमीटर, और इसमें जो वर्षा होनी चाहिए 150 से 200 सेंटीमीटर। वर्षा कितनी होनी चाहिए? 150 से 200। किसमें? रबर में, ठीक है? अब देखिए, चाय जो है उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु का पौधा है। चाय किस उष्ण और उपोष्ण जलवायु का? चाय उष्ण और उपोष्ण जलवायु का पौधा है। चाय उष्ण और उपोष्ण जलवायु का पौधा है। पौधा है, ठीक है? परंतु शीतोष्ण जलवायु के उच्चतर भागों में भी उगाया जाता है, जहाँ ठंडी है वहाँ भी उगाया जाता है। चाय के लिए लंबी ग्रीष्म ऋतु तथा 20 से 30 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। चाय के लिए लंबी ग्रीष्म ऋतु चाहिए और तापमान 20 से 30 सेंटीग्रेड चाहिए, ठीक है? और बरसात 130 से 50 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, ठीक है? विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? चीन करता है। इसके बाद आता है भारत, केन्या, अर्जेंटीना, श्रीलंका, तुर्की आता है, ठीक ना? देखिए, गेहूं और चावल के बाद मक्का क्या है? तीसरा प्रमुख खाद्यान्न है। मक्का अमेरिकी पौधा है। मक्का कैसी पौधा है? अमेरिकी पौधा है। ज्यादा तो वहीं होता है। हाँ, समुद्र पश्चिमी संसार में विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका में पशुओं के चारे के रूप में तथा लैटिन अमेरिका में खाद्यान्न के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। हाँ, मतलब लैटिन अमेरिका में इसको खाने के रूप में और संयुक्त राज्य अमेरिका में पशुओं के चारे में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक ना? देखिए, 2020 के आंकड़ों के अनुसार विश्व के 5 अग्रणी मक्का उत्पादक राज्य देश बताइए। संयुक्त राज्य अमेरिका पहला नंबर पर, दूसरा नंबर पर मक्का में,
सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा हम चीन, तीसरा हम ब्राजील, चौथा हम अर्जेंटीना, पांचवा हम यूक्रेन, छठा भारत, छठा हम भारत। छठा हम कौन है? मक्का उत्पादन भारत छठा स्थान पर है। पहला पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा पर चीन, तीसरा पर ब्राजील, चौथा पर अर्जेंटीना, पांचवा पर यूक्रेन, छठा पर भारत। भारत। अब देखिए बागवानी कृषि मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में की जाने वाली कृषि है। बागवानी कृषि कैसा है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में की जाने वाली कृषि। इस प्रकार की कृषि विस्तृत क्षेत्र पर न होकर छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में की जाती है। बागवानी कृषि छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में की जाती है। किसी एक क्षेत्र में फसलों का विशिष्टीकरण अवश्य मिलता है। बागवान फसल के अंतर्गत कृषि मंत्रालय के अनुसार नारियल, सुपारी, तार, ककोवा, काजू को रखा गया है। बताइए बागवान फसल के अंतर्गत कृषि मंत्रालय के अंतर्गत किस फसल को रखा गया? नारियल, सुपारी, तार, ककोवा और काजू को। बागवानी फसल में कौन कौन आता है? नारियल, तार, ये सब प्रकार। नारियल, सुपारी, ककोरा, सुपारी, ककोवा, काजू, चाय, कॉफी, रबर को रखा गया बागवानी। ठीक ना, चाय, कॉफी, रगर, नारियल, सुपारी, ककोवा, काजू, ये सब को रखा गया बागवानी कृषि, बागवानी कृषि मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक ना, बागवानी के तहत फलों की कृषि, सब्जियों की कृषि, फूलों की कृषि की जाती है। बागवानी के तहत फलों की सब्जियों की खेती, फूलों की खेती की जाती है। ठीक है, अब मशरूम, बांस, मसाला आदि को बागवानी कृषि के अंतर्गत स्थान प्राप्त है। मशरूम का भी, बांस का भी बागवानी के अंतर्गत किया जाता है। बागवानी कृषि में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है। ठीक है, अमेरिका के हवाई राज्य में कॉफी का उत्पादन इसी कृषि पद्धति से किया जाता है। अमेरिका के हवाई राज्य में ना कॉफी का उत्पादन बागवानी से किया जाता है। हवाई में उत्पादित कॉफी को कोना कॉफी के नाम से प्रसिद्ध है। कोना कॉफी के नाम से कहाँ पे? हवाई में। हवाई जो अमेरिका का राज्य है ना, हवाई में कॉफी। अब देखिए मोका जो है, मोका कॉफी यमन में उगाई जाती है। मोका कॉफी कहाँ उगाई जाती है? यमन में। मोका नाम बंदरगाह से निर्यात होने के कारण इसका नाम मोका पड़ा। मोका कॉफी जो है यमन में उगाई जाती है। भारत की विविध जलवायु ताजा फल और सब्जियों की सभी किस्में की उपलब्धता को सुनिश्चित करती है। भारत में जो बहुत प्रकार की जलवायु है ना, यहाँ बहुत ताज़ा फल और सब्जियां बहुत सारा होता है। ठीक है, अब देखिए अंतर फसल कृषि एक व्यापक प्रणालीगत शब्द है। इसके अंतर्गत रिले क्रॉपिंग, मिलवा खेती तथा एले क्रॉपिंग जैसी सभी विधियां आती है। एले क्रॉपिंग के अंतर्गत फसलों को रोपण के लिए पैरों के कतारों के बीच में स्थान क्या कहता है, पैरों की कतार के बीच के स्थान में उगाया जाता है। ठीक ना, अब देखिए संक्रामेंटो सैन जोवान्क्विन घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। संक्रामेंटो एक आंतरिक घाटी जहां सैन जोवान्क्विन नदी अपना आंतरिक डेल्टा बनाती है। यह घाटी विश्व भर में अंगूर एवं नींबू वंश फलों के उत्पादन के प्रसिद्ध है। संक्रामेंटो घाटी किस फल के लिए उत्पादन? अंगूर और नींबू प्रकार का जो भी फल होता है ना, उसके लिए यहाँ काफी उत्पादन होता है यहाँ। ठीक है, अब देखिए स्वर्णिम अर्धचंद्र में मध्य और दक्षिण एशिया के अफीम उत्पादक एवं निर्यातक देशों को सम्मिलित किया जाता है। इसको याद रखिए, स्वर्णिम अर्धचंद्र में किसको रखा जाता है? जहाँ अफीम का उत्पादन होता है ना, उस देश को स्वर्णिम अर्धचंद्र के रूप में रखा जाता है। ठीक ना, इस क्षेत्र में अफीम का अवैध तरीके से उत्पादन एवं व्यापार होता है। स्वर्णिम अर्धचंद्र के अंतर्गत पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान के क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। बताइए स्वर्णिम अर्धचंद्र के रूप में किसको सम्मिलित किया गया? किसको बताइए? पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान। ये पूछता है स्वर्णिम अर्धचंद्र में किसको रखा जाता है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। मूंग, आप देखिए मूंगफली का मूल स्थान दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में ब्राजील और इसके आसपास के क्षेत्रों को माना जाता है। ठीक ना, मूंगफली का मूल स्थान। हाँ, मूंगफली गैम्बिया की प्रमुख फसल है। मूंगफली कहाँ की प्रमुख फसल है? गैम्बिया की। कहाँ की मूंगफली? क्या गैम्बिया की प्रमुख फसल है? अच्छा बेटे, क्या इधर गैम्बिया की प्रमुख फसल है? कहाँ की मूंगफली का मूल स्थान दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ब्राजील और उसके आसपास के क्षेत्र को माना जाता है। ठीक ना, अब मूंगफली गैम्बिया की प्रमुख फसल है। मूंगफली कौन प्रमुख फसल है? गैम्बिया की प्रमुख फसल है। हाँ,
विश्व में चीन मूंगफली का शीर्ष उत्पादक देश है। विश्व में चीन में सबसे ऊपर मूंगफली उत्पादन, मतलब चीन में सबसे ज्यादा मूंगफली होता है। चीन में सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है, ठीक है। उसके बाद भारत का स्थान है। उसके बाद भारत का स्थान। अब बताइए, हेरोइन का उत्पादक अफीम के पोस्ता से किया जाता है। हेरोइन का उत्पादन किससे किया जाता है? अफीम के पोस्ता से किया जाता है। कत्था खैर की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। कत्था ये सब पहले भी पढ़ चुका है। कत्था क्या? खैर की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। विश्व में प्रथम बार अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन ई बोरलॉग ने मैक्सिको के उच्च उपज किस्में के बीज विकसित किए थे, मैक्सिको में, ठीक ना। कृषि के अंतराल समझौते के अनुसार ग्रीन बॉक्स में अनुसंधान कीट एवं रोग सेवा प्रशिक्षण सहायक सेवा और विस्तार निरीक्षक सेवा विपणन एवं उसकी प्रोत्साहन संबंधी सेवाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। अब देखिए, सहतूस एक विशेष प्रकार की गर्म ऊनी साल है जो तिब्बती एंटीलोप अथवा चीरू के बालों से तैयार किया जाता है। चीरू के, हाँ। सहतूस क्या है? सहतूस एक गर्म ऊनी साल है। सहतूस क्या है? एक गर्म ऊनी साल, हाँ, जो कि तिब्बती एंटीलोप या चीरू के बालों से तैयार किया जाता है। तिब्बती एंटीलोप, हाँ। चीरू का निवास मूलतः चीनी स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत में मिलता है। पहले यह पश्चिमी नेपाल में भी मिलता था। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भी पाया जाता है। एपिकल्चर शहद के उत्पादन संबंधित है और बीटीकल्चर अंगूर के उत्पादन संबंधित है, ठीक ना। और हॉर्टिकल्चर फूल के, यह हॉर्टिकल्चर के एक शाखा का रूप है। यह हॉर्टिकल्चर मतलब ये जो ना अंगूर जो है ना के उत्पादन, एक अंगूर का उत्पादन क्या है? वीटिकल्चर। यह जो हॉर्टिकल्चर के एक शाखा का रूप है, ठीक ना। अंगूर का प्रयोग शराब के निर्माण में किया जाता है, तो इसे विनीकल्चर में भी जाना जाता है। अंगूर को विनीकल्चर में भी जाना जाता है और हॉर्टिकल्चर में भी जाना जाता है, ठीक ना। देखिए, नीलहरित शैवाल का उपयोग जो है ना धान की फसल में जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। नीलहरित शैवाल का उपयोग कहाँ किया जाता है? धान की फसल में जैव उर्वरक, जबकि गेहूं, मक्का, सरसों, आलू, कपास तथा अन्य सब्जियों वाली फसलों के लिए एजोटोबैक्टर का उपयोग किया जाता है। देखिए, नीलहरित शैवाल का उपयोग कहाँ किया जाता है? नीलहरित शैवाल का उपयोग किया जाता है धान की खेती के लिए उर्वरक के रूप में, और जबकि गेहूं, मक्का, सरसों, आलू, कपास तथा अन्य सब्जी फसलों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एजोटोबैक्टर का, ठीक है। अब देखिए, पशुपालन उन मैदानी क्षेत्रों में अधिक विकसित है जहां प्राकृतिक घासें बहुतायत में पाई जाती है। पशुपालन उन मैदानी क्षेत्रों में अधिक विकसित है जहां प्राकृतिक घासें क्या होती है? पाई जाती है, बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। व्यापारिक पशुपालन का श्रेय यूरोपीय और प्रवासियों को दिया जाता है, ठीक है। प्राकृतिक गैस प्रदेश में भू स्वामित्व प्राप्त करके अस्थायी रूप से चरागाहों के चारों ओर से कटीले तारों से घेरते हैं जिन्हें रेंज कहते हैं। चरागाह को चारों ओर से घेरते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रेंज कहते हैं, है? रेंज कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं? रेंज कहते हैं, रेंज कहते हैं, ठीक ना। चरागाह को चारों ओर से तार से घेरते हैं उसको क्या बोलते हैं? कटीली तार से रेंज कहते हैं। पशुओं का सर्वाधिक संख्या कहाँ है? एशिया में मिलती है। यहाँ विश्व की लगभग 40% पशु संख्या है। एशिया, विश्व की अगर 40% पशु देखा जाए कहाँ है? एशिया में। कृषि एवं खाद्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार पशुधन समिष्ट में देशों के क्रम है। सबसे ज्यादा पशुधन चीन में होता है, उसके बाद भारत, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे ज्यादा पशु कहाँ है? चीन में, उसके बाद भारत में, ब्राजील में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। विश्व में पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दुग्ध व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार 2018-19 में भारत में प्रति व्यक्ति उपलब्धता 394 ग्राम प्रतिदिन, बस 394 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। और 2020 के आंकड़ों के अनुसार विश्व के 5 शीर्ष उत्पादक दूध उत्पादक देश कौन है? भारत सबसे पहला, दूसरा नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा पाकिस्तान, चौथा चीन, पांचवा ब्राजील। दूध उत्पादन में पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा पाकिस्तान, चौथा चीन, पांचवा ब्राजील, ठीक है। अब देखिए, इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं तथा चावल दोनों संसार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? चीन है, सही आंसर। विश्व में धान में भारत का स्थान बताइए। धान में दूसरा, चौथा। गेहूं में, धान में भी दूसरा। विश्व में धान में कब है? दूसरा ने? चावल, हाँ, दूसरा है। विश्व धान में, पहला चीन है। धान और चावल में भारत का स्थान दूसरा है, सॉरी।
अब बताइए, निम्नलिखित देशों में से किसमें चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? चीन, भारत, जापान, फिलीपींस? बताइए। भारत में चावल की खेती के लिए ज्यादा जगह है। हाँ, विश्व में सर्वाधिक गेहूँ पैदा करने वाला देश बताइए? सबसे ज्यादा चीन। निम्नलिखित देशों में किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा चीन में धान सबसे ज्यादा। संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है कहाँ? ये चीन में होता है। चीन में। विश्व में धान जीन बैंक स्थित है? धान जीन बैंक कहाँ है बताइए? स्थित फिलीपींस में। कहाँ है? अभी पता है ना, फिलीपींस में। बताइए निम्नलिखित में से सही क्या हो रहा है आपको? सही से उधर इधर क्या रहते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है? प्राप्त करता है कौन करता है? जापान, भारत, थाईलैंड, वियतनाम और विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक बताइए? हाँ, ब्राजील है। कौन है? ब्राजील। निम्नलिखित देशों में से कौन एक विश्व में गन्ने के द्वितीय बहुलतम उत्पादक है? ब्राजील, क्यूबा, भारत, चीन? पहले ये हो जाएगा तो भारत होगा द्वितीय। भारत में मैंने गन्ना उत्पादन में दूसरा स्थान हाँ, भारत है। बताइए विश्व में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक बताइए? चुकंदर हाँ, सबसे ज्यादा फ्रांस और रूस में। कहाँ? फ्रांस और रूस। फ्रांस और रूस चुकंदर। निम्नलिखित देशों में कौन एकमात्र चुकंदर से चीनी तैयार करता है? यूक्रेन। यूक्रेन जो है ना, वहाँ चुकंदर से चीनी तैयार होता है यूक्रेन में। विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? सबसे ज्यादा अमेरिका में। अमेरिका कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा अमेरिका में। बताइए निम्नलिखित देशों में से प्रति एकड़ कपास का उत्पादन उच्चतम है? चीन में। चीन में प्रति एकड़ तो चीन में। बताइए निम्न में से कौन सा देश अरंड तेल बीज का सबसे बड़ा उत्पादक? हाँ, अरंड तेल भारत करता है। एफएओ के अनुसार अरंड तेल बीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? भारत। मैंने अंडी का तेल हम लोग देहाती भाषा में खाते हैं, वही है ना। भारत है। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक? केले का सबसे बड़ा उत्पादक भारत ही होगा क्योंकि यहाँ पे भारत होगा। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश? इंडोनेशिया हो जाएगा, नारियल है तो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया हो जाएगा। विश्व में फलों उत्पादन के रूप में भारत का स्थान बताइए? फल के उत्पादन में चौथा। भारत का स्थान दूसरा, सॉरी दूसरा स्थान है। भारत फल के उत्पादन भारत का स्थान दूसरा। कौन सा तंबाकू उत्पादक में विश्व में प्रथम है? चीन सबसे पहले तंबाकू खेती करना भी शुरू किया था और सबसे ज्यादा वही करता है। दूसरा नंबर पर भारत है। निम्नलिखित देशों में कौन अपने चीनी उत्पादन का सर्वाधिक प्रतिशत निर्यात करता है? सबसे ज्यादा मॉरीशस। कौन करता है? मॉरीशस। मॉरीशस करता है। मॉरीशस। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश बताइए? थाईलैंड। थाईलैंड प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश? थाईलैंड है। थाईलैंड है। विश्व में प्राकृतिक रबर के दो बड़े उत्पादक हैं? थाईलैंड। थाईलैंड और इंडोनेशिया। रबर थाईलैंड और इंडोनेशिया। विश्व का लगभग 1/3 प्राकृतिक रबर का उत्पादन किससे होता है? थाईलैंड। थाईलैंड से। सर्वाधिक रबर की खेती होती है भारत में? भारत। सर्वाधिक रबर की खेती होती है भारत, भारत में, चीन में, अमेजन तथा जायरे में, इंग्लैंड में? भारत में। ऑप्शन अनुसार भारत में हो जाएगा। ऐसे में तो 2020 के आंकड़ों के अनुसार थाईलैंड में सबसे ज्यादा होता है। क्या रबर? रबर सबसे ज्यादा। श्रीलंका में कॉफी की कृषि किस रोग के कारण बंद कर दी गई? पर्न कीट। मतलब श्रीलंका में कॉफी की कृषि बंद कर दी गई है, वहाँ एक रोग फैल गया था कॉफी में, पर्न कीट नाम का वो रोग। विश्व में कहवा के दो अग्रगण्य राज बताइए, देश बताइए? ब्राजील और वियतनाम। ब्राजील और कहवा के लिए ब्राजील और वियतनाम। विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश बताइए? ब्राजील। सबसे ज्यादा ब्राजील। विश्व में कुल कहवा उत्पादक के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्षतम देश? ब्राजील। 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 बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का द्वितीय वृहत्तम कहवा निर्यातक देश है? कहवा ने वियतनाम। वियतनाम। दूसरा कहवा। कहवा। रोबस्टा एक प्रकार की देश है जो अफ्रीका में उत्पन्न होती है? हाँ, रोबस्टा एक प्रकार की कॉफी है। रोबस्टा एक प्रकार की कॉफी है जो कि क्या होती है? क्या होती है? उत्पादन होता है सबसे ज्यादा कॉफी है। कहाँ? कॉफी है अफ्रीका में उत्पादन होता है, ठीक ना? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताइए सबसे अधिक चाय का निर्यात कौन सा देश करता है? श्रीलंका। श्रीलंका। चाय का सबसे ज्यादा निर्यात श्रीलंका करता है। 2004 में दोनों ही श्रीलंका विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक था, ठीक है। 2005 में श्रीलंका ही था। 2020 में चीन हो गया, समझे? हाँ, सबसे ज्यादा चीन। 2020 में चीन हो गया। ऐसे देखा जाए तो उस समय के अनुसार से था। हाँ अच्छा ये बताइए निम्नलिखित देशों में कौन 2016-17 में विश्व में चाय का बृहत्तम निर्यातक था? चीन। चीन। हाँ चीन। बताइए कहवा का उत्पादक क्षेत्र? कहवा का साओ पालो पठारा। जूट का उत्पादक क्षेत्र? जूट का हो गया गंगा डेल्टा। चावल का उत्पादक क्षेत्र? यांग टीसी मैदान।
और गेहूं का उत्पादक क्षेत्र प्रेरी मैदान। ठीक है। कोका होता है घना। कावा हो गया, आइवरी कोस्ट। चाय सबसे ज्यादा गन्ना सबसे ज्यादा दक्षिण अफ्रीका होता है। यूएसए के निम्नलिखित राज्यों में से किस में कॉफी का उत्पादन होता है? सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन हवाई में, हवाई राज्य में जो अमेरिका में है। हाँ, वहाँ पे सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है। कॉफी का बताइए। कौन सा फल उष्ण कटिबंध नहीं है? कौन सा फल उष्ण कटिबंध नहीं है? अखरोट, नारियल, सेब, काजू। उष्ण कटिबंधीय कौन सा फल? सेब होगा। सेब जो है उष्ण कटिबंध नहीं है। सेब उष्ण कटिबंधीय नहीं है। बताइए कृषि, किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? सबसे ज्यादा तो किसमें होती है? व्यापारिक बागवानी में। व्यापारिक बागवानी में होती है। ये बताइए एक फसल प्रणाली। अच्छा ठीक है। प्राकृतिक रबर का अग्रणी उत्पादक देश बताइए। थाईलैंड। कौन है? थाईलैंड। दूध का अग्रणी उत्पादक बताइए। भारत। अग्रणी हो गया भारत। लोहा का अग्रणी उत्पादक बताइए। चीन। चीन। और पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक बताइए। सऊदी अरब। सऊदी अरब। बताइए तो एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों के रोपण के किए गए पैरों की कतारों के बीच के स्थान में उगाया जाता है क्या कहलाता है? एल क्रॉपिंग। एले क्रॉपिंग क्या कहलाता है? मतलब कि ये तो पढ़े थे अभी। एले क्रॉपिंग। ठीक है। एले क्रॉपिंग अंतर्गत फसलों को रोपण में किए गए पैरों की कतारों के बीच स्थानों में उगाया जाता है इसको क्या बोलते हैं? एले क्रॉपिंग। एले क्रॉपिंग। एक फसली कृषि विशेषता है? एक एक जहाँ पे सिर्फ व्यापारिक अन्न कृषि किया जाता है। व्यापारिक अन्न कृषि अन्य व्यापारिक रूप से अन्न का कृषि किया जाता है। ठीक ना। एक फसली निम्नलिखित में से कौन एक चालवासी कृषि नहीं है? चालवासी चेना चेना झूमिंग मिल्पा और फेजेंडा। फेजेंडा नहीं है। फेजेंडा नहीं है। फेजेंडा नहीं है। तुंगयांग कृषि जहाँ की जाती है? तुंगयांग कृषि कहाँ की जाती है? म्यांमार में। निम्न में से किस फसल में एजोला एनाबिना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है बताइए? एजोला एनाबिना का चावल का। चावल। निम्नलिखित में से किस जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? जैविक खाद के रूप में एजोला का प्रयोग किया जाता है। एजोला। नील हरित शैवाल निम्नलिखित में से किस एक फसल के पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है? धान में। अल्फा अल्फा क्या है? अल्फा अल्फा एक प्रकार का घास है। अल्फा अल्फा क्या घास है? पॉटजोल क्या है? पॉटजोल ये पॉटजोल जो होता है ना कोंदारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी को कोंदारी वन प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टी क्या बोलते हैं? पॉटजोल कहते हैं। मोका कॉफी कहाँ उगाई जाती है? मोका कॉफी यमन। यमन में। अभी ट्रक पर थे। मोका कॉफी यमन में उगाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता है? सबसे ज्यादा चाय में नहीं पाया जाता है थीन, कैफीन, टैनिन, मॉर्फिन बताइए। कैफीन, थीन और टैनिन पाया जाता है, मॉर्फिन नहीं पाया जाता। मॉर्फिन नहीं पाया जाता है बताइए तो। हेरोइन प्राप्त होता है? अफीम के पोस्ता से। हेरोइन अफीम के पोस्ता से प्राप्त होता है। निम्नलिखित किस देश में समूह में मक्का मुख्य भोजन के रूप में प्रयोग में आता है? मध्य अफ्रीका मक्का भोजन के रूप में लेता है लोग। विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? भूमध्य सागरीय प्रदेश में। किस प्रदेश में? भूमध्य सागर प्रदेश। निम्न देशों में से किस एक में पहली बार उच्च उपज किस्म बीज विकसित किए गए थे? मैक्सिको में। मैक्सिको में नॉर्मन बोरलॉग ने किया था। बताइए कत्था बनाने तो किस पर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? कत्था खैरा। खैर। कत्था बनाने के लिए खैर की लकड़ी का। मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? मूंगफली हो गया गैम्बिया। गैम्बिया की फसल। गैम्बिया की जो है मूंगफली प्रमुख फसल है। बताइए मूंगफली का मूल स्थान बताइए। मूल स्थान हो गया ब्राजील। ब्राजील। शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर गर्म और हल्का ऊन माना जाता है कहाँ पैदा होता है? ये चीन में। चीन में होता है। शहतूत विशेष प्रकार का गर्म ऊनी साल होता है जबकि तिब्बती एंटीलोप अथवा चीरू के बालों से तैयार किया जाता है। चीरू का निवास मूलतः चीनी स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत में मिलता है। ठीक ना। यह 39वां बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। शहतूत साल बनाई जाती है चीरू के बालों से। एपीकल्चर का वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन संबंधित है शहद से। विटीकल्चर किसे कहते हैं? अंगूर उत्पादन से। अंगूर उत्पादन से। अंगूर के उत्पादन से। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर। फसलों की खेती एग्रोनॉमी। फसलों की खेती एग्रोनॉमी। सब्जी की खेती। सब्जी की खेती को हम लोग हॉर्टिकल्चर भी कहते हैं। सब्जी की खेती ओलेरी कल्चर आता है समझे ना। हॉर्टिकल्चर भी हो सकता है नहीं। लेकिन यहाँ पे नहीं। फलों की खेती पोमोलॉजी। हॉर्टिकल्चर पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। हाँ पोमोलॉजी।
रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। पहला चीन हो गया। हाँ, वह देश जो रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक चीन। अभी बताया तो पता, निम्नलिखित में से किस एक में विश्व की बृहत्तम पशुधन समिष्टि है? सबसे ज्यादा पशु चीन में। चीन में सबसे ज्यादा पशु है, ठीक होता है पालन, मतलब एशिया में सबसे ज्यादा 40%। यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में बीफ की एक संयुक्त सुरक्षित एवं स्वास्थ्य खाद की छवि को किसने नष्ट किया? किसने नष्ट किया है? मेडकाउ रोग। कौन क्या है? मेडकाउ रोग ने। यूरोप और उत्तरी बताइए, दूध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? भारत। भारत का विश्व में सर्वाधिक दूध? भारत में। निम्नलिखित में से कौन मक्का उत्पादन में विश्व के द्वितीय स्थान है? मक्का उत्पादन में दूसरा स्थान पर ये चीन, चीन है। निम्नलिखित देशों में किसमें प्रति गाय दूध का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है? गाय का दूध का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक किस देश में? डेनमार्क में। निम्नलिखित में से किसे विश्व की चीनी का कटोरा कहा जाता है? क्यूबा। ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। चार देश में प्रमुख प्राथमिकता निर्यात है? पेट्रोलियम। चार देश में प्रमुख प्राथमिक निर्यातक क्या है? पेट्रोलियम। और नाइजर में प्रमुख निर्यातक क्या है? यूरेनियम। रवांडा में कहवा। बेनिन में कपास। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश पिछले 5 वर्षों के दौरान विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है? ये रहा है भारत। भारत IAS 2019 में पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? हाँ, सबसे ज्यादा केसर ईरान में। BPSC 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, केसर सबसे ज्यादा कहाँ होता है? ईरान। भारत में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? कोको। हाँ, लातविया, कैमरून, घाना, आइवरी। लातविया में कोको नहीं होता है। अब जो हम सब लोग पढ़ते हैं, खनिज पढ़ते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, एल्यूमिनियम, ये सब खनिज पढ़ते हैं, ठीक ना? हाँ सर। चट्टान पूर्व के एक चट्टान जो है पूर्ण चूर्ण के एकत्र होकर नीचे जमा होने से ही अवसादी सेल का निर्माण होता है। चट्टान चूर्ण के एकत्र होने से नीचे जमा होने से क्या बनता है? अवसादी सेल का निर्माण होता है। इसकी रचना परतों के रूप में होने के कारण इसे प्रद्दा चट्टान, प्रद्दा सेल भी कहते हैं, ठीक ना? जो नीचे जम जाता है। अधिकतर जीवाश्म में खनिज तेल इसी प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं। पूछेगा कि सबसे ज्यादा खनिज तेल किस प्रद्दार में? प्रद्दार या अवसादी सेल के कारण। संपूर्ण भूपृष्ठ के लगभग 75% भाग पर इसका विस्तार होता है, ठीक ना? 75। हाँ, अवसादी या प्रद्दार चट्टानों से कोयला, सलेट, संगमरमर, नमक, पेट्रोल आदि खनिज प्राप्त किए जाते हैं। कोयला और चूने का पत्थर जैविक उत्पत्ति वाले अवसादी सेलों के उदाहरण है। कार्बन की मात्रा और कठोरता आधार पर कोयले को कितनी श्रेणी में बांटा गया? 4 श्रेणी में। एंथ्रासाइट यह सर्वोत्तम प्रकार का कोयला होता है, इसमें कार्बन का अंश 90-95% होता है एंथ्रासाइट में। और बिटुमिनस यह कोयले का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है, और लिग्नाइट तीसरा है। यह भूरा कोयला के रूप में प्रसिद्ध है। लिग्नाइट भूरा कोयला और भूरा कोयला के रूप में किसको जाना जाता है? लिग्नाइट को। इसका उपयोग मुख्य रूप से ताप विद्युत में होता है, इसलिए कि कार्बन का अंश 45-50 होता है। और चौथा नंबर पर पीट कोयला है, यह सबसे निम्न स्तर का कोयला होता है, ठीक ना? सबसे निम्न स्तर का कोयला कौन होता है? पीट कोयला होता है। इसमें 40% से कम कोयला, मतलब कि कार्बन की मात्रा होती है। पत्थर के कोयले को एंथ्रासाइट कोयला भी कहा जाता है। पत्थर के कोयले क्या बोलते हैं? एंथ्रासाइट। यह सर्वोत्तम कोटि का होता है, ठीक ना? देखिए, वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2015-19 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में विश्व के कोयले के आधे से अधिक उत्पादन कौन करता है? चीन एवं भारत में होता है। विश्व में कोयले के आधे से अधिक उत्पादन कौन करता है? चीन और भारत। विश्व में कोयले के उत्पादन विश्व में कोयले के उत्पादन की दृष्टि से शीर्ष 5 देश में पहला देश कौन है? चीन। दूसरा देश? भारत। तीसरा देश संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथा इंडोनेशिया। पांचवा ऑस्ट्रेलिया। पांचवा चीन, दूसरा भारत, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया, पांचवा ऑस्ट्रेलिया 2019 के अनुसार। लेकिन वर्ष 2020 के अंत तक विश्व में कोयले के प्रमाणित भंडार की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा भंडार कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, दूसरा में रूस में, और तीसरा ऑस्ट्रेलिया में, चौथा चीन में, पांचवा भारत में। अगर भंडार के रूप में देखा जाए सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में, और पांचवा सबसे ज्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका में, और सबसे ज्यादा अगर सबसे कम होगा पांचवा स्थान पर तो भारत होगा। सबसे ज्यादा शीर्ष स्थान पूछा जाए संयुक्त राज्य अमेरिका में भंडारण में।
संयुक्त राज्य अमेरिका में कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र उत्तर अपलेशियन कोयला क्षेत्र है। यहाँ उत्तम कोटि का कोयला प्राप्त होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्य प्रमुख कोयला क्षेत्र द अपलेशियन, पश्चिमी आंतरिक कोयला क्षेत्र, रॉकीज पर्वत कोयला क्षेत्र आदि है। रूर जर्मनी में प्रवाहित होने वाली नदी है। इस नदी घाटी के प्रमुख कोयला खनन और औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। रूर कहाँ होता है? रूर कहाँ है बताइए? रूर क्षेत्र, रूर जो है जर्मनी में, जर्मनी में प्रवाहित होने वाली नदी है जिसे रूर बेसिन के नाम से जाना जाता है। जर्मनी में स्थित सारलैंड फ्रांस की सीमा पर सार नदी घाटी में स्थित है। यहाँ कोयले के बृहद निक्षेप मिलते हैं। रुकवा झील क्षेत्र में आभूषण बनाने योग्य उन अनेक पत्थरों की भांति प्राप्त होती है। इनमें एमराल्ड, मूनस्टोन, एक्वा मेरीन, एमेथिस्ट, रूबी और टोपाज प्रमुख हैं। विश्व की प्रमुख कोयला क्षेत्र बताइए, चीन का कोयला क्षेत्र बताइए। चीन का कोयला क्षेत्र जैसे कि मंचूरियन हो गया, हेपू हो गया, सांतुंग हो गया, ठीक ना। उत्तरी अमेरिका का कोयला क्षेत्र अपलेशियन क्षेत्र हो गया, रॉकी पर्वत हो गया अपलेशियन क्षेत्र। अब भारत में कोयला क्षेत्र देखिए, दामोदर घाटी हो गया, सोना घाटी हो गया, महानदी क्षेत्र हो गया, गोदावरी वर्धा हो गया घाटी हो गया, सतपुरा क्षेत्र हो गया, पूर्वी हिमालय क्षेत्र हो गया, ठीक है। कोयला क्षेत्र हाँ। अब देखिए कजाकिस्तान में कारागौंड और बेसिन, ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स, पोलैंड में साइलेसिया घाटी, फ्रांस में नॉर्थ और लॉरेंस, और दक्षिण अफ्रीका में नटाल, ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट। कोयला एक उदाहरण है किस चट्टान का बताइए? कोयला एक अवसादी चट्टान का, परतदार चट्टान का, अवसादी नहीं होगा, हाँ कैन होगा बताइए। कोयला जो कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस कहलाते हैं, ये जीवाश्मिक फ्यूल कहलाते हैं, जो ईंधन का, ये जीवाश्मिक फ्यूल कहलाते हैं, ठीक ना। डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है। डोनबास क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? डोनबास क्षेत्र कोयला के लिए, कोयला के लिए बताइए। कोयला का क्षेत्र और देश बताइए मिलन करने के लिए। डोनेट्ज कोयला क्षेत्र कहाँ है? यूक्रेन। कुजनेस्टक कोयला क्षेत्र कहाँ है? रूस में। लंकाशायर कोयला क्षेत्र? लंकाशायर यूके में। और सार कोयला क्षेत्र कहाँ है? सार जर्मनी में। जर्मनी में पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? कोयला में सबसे ज्यादा पत्थर के कोयले के भंडार में चीन। चीन सबसे ज्यादा अग्रणी, ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन, 40वां बीपीएससी में। कोयले के विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है चीन और भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका से। चीन और अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है? जर्मनी का। जर्मनी का निम्न में से किस देश में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है? सबसे ज्यादा कोयला चीन में। चीन में पाया जाता है। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश? सबसे ज्यादा चीन होगा। रुकवा झील क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? रुकवा झील क्षेत्र जो कि तंजानिया में, किस खनिज क्षेत्र के लिए बताइए? कोयला। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन है रूर घाटी, लॉरेन बेसिन, सार बेसिन और अचेन बेसिन। नहीं है, हाँ लॉरेन बेसिन, लॉरेन बेसिन नहीं है, ठीक ना। कोयला क्षेत्र नहीं है, कोयला क्षेत्र, ये 66वां बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए लोह अयस्क के बारे में पढ़ते हैं। लोह अयस्क पृथ्वी के गर्भ में सर्वाधिक पाए जाने वाली धातु लोहा है, ठीक ना। इसके पश्चात क्रमशः निकेल एवं एल्युमिनियम धातुएं पाई जाती है। पृथ्वी की भूपट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाली धातु कौन है? एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम है भूपट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाली धातु। एल्युमिनियम तथा उसके पश्चात दूसरी धातु कौन है? लोहा है। पहला धातु कौन है? एल्युमिनियम। भूपट्टी में पूछेगा तो सबसे पहला हो जाएगा एल्युमिनियम, हाँ, दूसरा हो जाएगा लोहा। लोह अयस्क मिट्टी या अन्य चट्टानों के साथ पिंड के रूप में मिलता है। पिंड के रूप, हाँ। औद्योगिक प्रगति के साथ लोह खनिज का उत्पादन भी तेजी से बढ़ा है। विश्व में लोहा के उत्पादन में वर्ष 2019 में शीर्ष 5 देश है। ऑस्ट्रेलिया पहला स्थान पर हो जाएगा लोहा उत्पादन, पहला स्थान पर कौन हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। दूसरा स्थान पर, दूसरा पर चीन, तीसरा पर ब्राजील, चौथा पर भारत, पांचवा पर रूस। पूछेगा कि 20 में लौह स्काय के उत्पादन का क्रम बताइए। विश्व में लौह उत्पादन में पहला स्थान पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया। और भारत का स्थान? भारत का पांचवा, चौथा, चौथा भारत का पांचवा। अच्छा, अगर पूछेगा, अगर पूछेगा विश्व में लौह के संचित भंडार किसका, भंडार सबसे ज्यादा किसका, तो सबसे ज्यादा भंडार ऑस्ट्रेलिया का है, दूसरा नंबर ब्राजील है, तीसरा नंबर पर रूस है, चौथा नंबर चीन है और पांचवा नंबर पर भारत है। अगर लोहा भंडारण में अगर पूछा जाए पांचवा नंबर पर कौन है? पृथ्वी के गर्भ में
नहीं उतना चाहिए। पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज्यादा पाए जाने वाली धातु कौन सी है? सबसे ज्यादा एल्युमिनियम। अभी तो बता एल्युमिनियम। विश्व के निम्नलिखित विश्व के निम्नांकित कच्चा लोहा उत्पादन देशों का सही अवरोही क्रम का कच्चा लोहा चीन ब्राजील ऑस्ट्रेलिया स्वीडन। देखिए ये नहीं है, ये क्वेश्चन 2008 में ही ने पूछा है। हाँ। लेकिन 2019 के आंकड़ों के अनुसार सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्राजील और भारत। अभी के अगर पूछा जाएगा तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्राजील और भारत। विश्व देखिए निम्न देशों में कौन विश्व में लोह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है? लोह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक कौन? चीन। चीन है। विश्व में लोहा अयस्क उत्पादन में प्रथम स्थान। तो इसके अनुसार तो विश्व में लौह अयस्क का बहुमतम उत्पादक ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए। विश्व में लौह उत्पादन का बहुमतम स्थान ऑस्ट्रेलिया ही होगा, इसमें ऑस्ट्रेलिया ही होगा। लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो ये 2013 का है, लेकिन 2019 में रिपोर्ट आया जो कि ऑस्ट्रेलिया होगा। ठीक है। यूरोप के लौह अयस्क उत्पादन में यूरोप के लौह अयस्क उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान बताइए। फ्रांस का स्थान इसमें कहाँ पता है? नहीं पता। पहले तो तीसरे चौथा में तो है ये नहीं है। हाँ ये चौथा में तक में नहीं, नहीं है, लगता है ये विवादित क्वेश्चन है। ठीक है। अच्छी है बताइए। हाँ ये बताइए देश दिया है और लौह खनिज उत्पादक देश दिया, बताइए कजाकिस्तान में लौह खनिज उत्पादक कारागंडा, यूक्रेन में लौह खनिज उत्पादक क्रुवेइराग, फ्रांस में नॉर्मेंडी और फ्रांस में पायरेनी। बताइए फ्रांस का लॉरेन प्रदेश प्रसिद्ध है, फ्रांस का लॉरेन प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह और इस्पात उद्योग के लिए। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के भंडार के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? बीपीएससी में पूछा हुआ है। कौन है? देखिए रस्ट बाउल या रेस्ट बेस्ट संयुक्त राज्य अमेरिका या उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है। यह लौह उत्पादन करने वाला आर्थिक क्षेत्र है। इसमें इलिनियास, इंडियाना, मिशिगन, ओहियो तथा पेंसिल्वेनिया का सिल्क शामिल है। इसमें ग्रेट लेक्स प्रदेश, पीटर्सबर्ग प्रदेश आदि शामिल है। अतः यह यहाँ इसका जो क्वेश्चन आंसर होगा एक से अधिक होगा। इसमें ऑप्शन दिया हुआ ग्रेट लेक्स प्रदेश, अलाबामा प्रदेश, कैलिफोर्निया प्रदेश, पीटर्सबर्ग प्रदेश, जो कि सब सही है एक से अधिक इसका आंसर। बताइए तो उत्तरी अमेरिका के बृहत झील प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है? इस्पात और इंजीनियरिंग के लिए। अब पढ़ते हैं तांबा। औद्योगिक दृष्टि से तांबा में औद्योगिक दृष्टि से धातुओं में लोहा के बाद तांबा महत्वपूर्ण है। मानव सभ्यता के आदिकाल से ही तांबे का प्रयोग किया जाता है। चिली में एंडीज पर्वत के पश्चिमी ढाल पर उत्तरी पेरू से लेकर मध्य चिली तक फैली पेटी में तांबे का बृहत्तम जमाव है। कहाँ तांबे का सबसे ज्यादा है? चिली के में एंडीज पर्वत के पश्चिमी ढाल पर उत्तरी पेरू से लेकर मध्य चिली तक फैली हुई है। ठीक है। चिली तांबा अयस्क का बृहत्तम उत्पादक देश है। सबसे ज्यादा तांबा कहाँ होता है? चिली में। कहाँ होता है? चिली में सबसे ज्यादा चिली में। उत्तरी चिली की महत्वपूर्ण तांबा खान चिक्विकामाटा। उत्तरी चिली की महत्वपूर्ण तांबा खान क्या है? तांबा का खान चिक्विकामाटा चिक्विकामाटा इन्हीं निक्षेपों में स्थित है। ये निक्षेप उत्तर इओसीन ओलोगेसिन युग के सामने जाते मतलब माने जाते हैं। यह निक्षेप उत्तर इओसीन ओलिगोगेसिन युग के माने जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम तांबे का उत्पादन मिशिगन के केबिन अंतरिप में हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले तांबे का उत्पादन। जापान खनिज के संदर्भ में तांबा उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर है। जापान जो है ना खनिज के संदर्भ में तांबा उत्पादन में लगभग जो है ना अपने आप आत्मनिर्भर है। यह तांबे का उत्पादन उसके उपभोग से अधिक हो जाता है। जापान का तांबे का उत्पादन है ना उसका उपभोग से अधिक हो जाता है। विश्व में तांबे की भंडार की दृष्टि से शीर्ष पांच देश बताइए। सबसे पहला देश चीनी चिली दूसरा देश पेरू, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा रूस, पांचवा मेक्सिको, छठा संयुक्त राज्य अमेरिका। और 2019 में विश्व में तांबे के उत्पादक की दृष्टि से शीर्ष पांच राज्य बताइए। चिली, पेरू, चीनी, कांगो डोमेस्टिक। कौन है? और संयुक्त राज्य। चिली, पेरू, कांगो डोमेक्रेटिक रीप एवं संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। हाँ बढ़िए बताइए तो विश्व में तांबे की उत्पादन की दृष्टि से शीर्ष पांच देश बताइए। सर चिली हो गया। हाँ पेरू हो गया। चीन हो गया। कांगो डोमेस्टिक रीफ हो गया। हाँ
संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। संसार में तांबा का अग्रणी उत्पादक देश सबसे ज्यादा चीन होता है। संसार में तांबा, तांबा सबसे ज्यादा कौन होता है? लेकिन चीली होता है। चीली ना होता है, ये बदल गया ना नहीं नहीं। बताइए, अफ्रीकी देश जाम्बिया में तांबे के विपुल भंडार है। अफ्रीकी देश जाम्बिया में तांबे के विपुल भंडार है, फिर भी इस देश की आर्थिक प्रगति नहीं हो सकी क्योंकि यहाँ यहाँ समुद्री बंदरगाह नहीं, यहाँ जो है समुद्री बंदरगाह नहीं, समुद्री बंदरगाह नहीं। जापान लगभग आत्मनिर्भर है। हाँ, तांबा में, तांबा में इतना करता है कि उसका उपयोग हो जाता है। अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश बताइए। हाँ, अफ्रीका में जाम्बिया। जाम्बिया अफ्रीका में। देखिए, चिकुआकामाटा चिली निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। अब हम सब लोग सोना के बारे में पढ़ते हैं, ठीक ना? क्या बात है, सोना है। सोना, विश्व में सोने की प्राप्ति दो प्रकार के क्षेत्रों से स्रोतों से होती है। प्राकृतिक रूप से में सोना क्वार्टर्स सिराओं में शैल स्वर्ण के रूप में पाया जाता है, ठीक ना? इसके अंतरिक्त नदियों के निक्षेपों में प्लेसर के रूप में सोने के छोटे छोटे कण मिलते हैं। देखिए, सोना का उत्पादन दो तरीका से होता है। कितने तरीका से? दो तरीका। पहला जो होता है सोना क्वार्टर्स के सिराओं में शैल स्वर्ण के रूप में पाया जाता है। दूसरा क्या? प्लेसर के रूप में छोटे छोटे कण में मिलते हैं समुद्र के किनारे, ठीक ना? ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सर्वाधिक सोना संरक्षित है। ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सबसे ज्यादा सोना वहाँ संरक्षित, सबसे ज्यादा वहीं है। हाँ, यहाँ का लगभग 70% सोना पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत से प्राप्त होता है, जहाँ विश्व की दो प्रसिद्ध खाने कालगुर्गी एवं कुलगाड़ी स्थित है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कालगुर्गी और कुलगाड़ी, कुलगाड़ी स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के माउंट मोरेन से सोने का उत्पादन किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के माउंट मोरेन से सोने का उत्पादन, कालगुर्ली और कुलगाड़ी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में जो कि सोना उत्पादन के प्रसिद्ध है। और ऑस्ट्रेलिया के माउंट मोरगन से सोने का उत्पादन किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में युवा क्षेत्र, दक्षिण डेकोट एवं पर्वत हिल्स क्षेत्र, साल्ट लेक तथा अलास्का का मुख्य स्वर्ण क्षेत्र है। कनाडा में क्यूबेक एवं ओंटारियो प्रांत से सोने का उत्पादन किया जा रहा है। चीन में स्वर्ण उत्पादन के मुख्य क्षेत्र यूनान, मंचूरिया तथा सिंगलिशान है। दक्षिण अफ्रीका में स्वर्ण उत्पादन के प्रमुख केंद्र जोहान्सबर्ग, मिस्टर्न और बार्क्सबर्ग आदि है। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के गोटेंग प्रांत की राजधानी है। यहाँ सोना और हीरा खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सोना और हीरा खनन के विश्व प्रसिद्ध कौन है? जोहान्सबर्ग। इंडियन सोना और हीरा खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध। हाँ, इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के अनुसार विश्व के समग्र सोना उत्पादन में चीन का 11% है। सबसे ज्यादा चीन का, ऑस्ट्रेलिया का 10% है, रूस का 8%, संयुक्त राज्य अमेरिका का 6%। क्या चीज है? कहाँ ध्यान है आपका? मिनरल्स में, सोना उत्पादन में, सोना उत्पादन में सब इंडियन मिनरल यूजी 2020 के अनुसार कि नहीं, सोना उत्पादन में सबसे ज्यादा किसका है? चीन का अंश 11% है, ऑस्ट्रेलिया का 10% है। यहाँ तो था कि अरे वो संरक्षित करता है उसका भंडारण ऑस्ट्रेलिया का। अच्छा, उत्पादन में देखिए, विश्व में 5 स्वर्ण उत्पादक देश, सबसे देखिए सबसे पहला चीन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, रूस हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ठीक ना? सोना उत्पादन में सबसे ज्यादा किसका स्थान है? पहला चीन का, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा रूस का, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका, पांचवा कनाडा का, ठीक ना? विश्व में संचित भंडार की दृष्टि से देखिए, संचित भंडार में पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया का। अगर भंडार किसके पास है ज्यादा? सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया के पास है, जैसे कोयला उला में। रूस दूसरा स्थान पर, तीसरा स्थान पर दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है, चौथा स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। देखिए, IMYB 2020 के अनुसार स्वर्ण आयात में स्विट्जरलैंड का हिस्सा सर्वाधिक है। स्वर्ण आयात में मतलब सबसे ज्यादा सोना मंगाता है स्विट्जरलैंड। कौन? स्विट्जरलैंड। इसके पश्चात क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, संयुक्त अरब अमीरात आता है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, पेरू आता है, घाना आता है और दक्षिण अफ्रीका का स्थान आता है। अब इसका क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। बताइए, निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ है? चीन में। चीन में हुआ है। 66वां विपेश पूछा है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुर्गी किसके लिए प्रसिद्ध है? कालगुर्गी स्वर्ण उत्पादन। कालगुर्गी स्वर्ण उत्पादन। देखिए, निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया? सोना खनन। सोना खनन। ये 60 और 62 विपेश दोनों पूछा हुआ है। कुलगाड़ी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है वह है? वह है क्या?
क्या बताइए, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में कुल गाड़ी ऑस्ट्रेलिया में, जिस मतलब कुल गाड़ी जो है ना वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है जगह। जोहान्सबर्ग विख्यात है स्वर्ण खनन में। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत को सर्वाधिक स्वर्ण का निर्यात करता है? स्विट्जरलैंड। अब देखिए चांदी पड़ते हैं, सोना पर लिया, अब चांदी पड़ते हैं। स्वर्ण के पश्चात चांदी दूसरा बहुमूल्य धातु है जिससे आभूषण, सिक्के, इलेक्ट्रोप्लास्टिंग, फोटोग्राफी तथा औषधियों के प्रयोग में किया जाता है। सोना चांदी को औषधियों में प्रयोग किया जाता है, औषधि के प्रयोग में चांदी का प्रयोग किया जाता है। चांदी प्रकृति में स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होती है और मुख्यतः कायांतरित चट्टानों में पाई जाती है। हाँ, इंडियन मिनरल्स ईयर 2020 के अनुसार 2019 में विश्व में चांदी का सर्वाधिक संचित भंडार 6 देशों के पास है। पहला देश है पेरू। भंडार पूछ रहा है संचित भंडार में, मतलब भंडार सबसे ज्यादा किसका है? पहला पेरू का, पेरू, दूसरे ऑस्ट्रेलिया का, तीसरा पोलैंड, चौथा रूस, पांचवा चीन, छठा मैक्सिको। अब देखिए विश्व में चांदी का उत्पादन के अनुसार पहला देश कौन है? मैक्सिको। अगर उत्पादन पूछेगा तो पहला देश चांदी का मैक्सिको, अगर भंडार पूछेगा तो पहला पेरू। पहला स्थान अगर उत्पादन पूछेगा तो मैक्सिको, और पहला स्थान संचित भंडार पूछेगा तो पेरू, और दूसरा स्थान पर उत्पादन में होगा पेरू, तीसरा में चीन, चौथा में पोलैंड, ठीक ना, और पांचवा में रूस। जर्मन सिल्वर को निकेल सिल्वर, पेक्टॉक न्यू सिल्वर, अल्पक्का इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। यह एक मिश्र धातु है जिसमें लगभग 60% कॉपर, 20% यसा तथा 20% निकेल होता है। कॉपर यसा निकेल माने झूठा चांदी है। हाँ, इसमें सिल्वर का कोई अंश नहीं पाया जाता, चूंकि यह चांदी की तरह चमकदार होता है इसलिए इसे जर्मन सिल्वर कहा जाता है। विश्व, आप क्वेश्चन करते हैं, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक बताइए। चांदी का सबसे बड़ा मेक्सिको। हाँ, मेक्सिको, मेक्सिको, मेक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है चांदी का, चांदी का। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन, किस में, निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है? किसमें नहीं होता है? रूबी, जर्मन सिल्वर। अब पढ़ते हैं एल्युमिनियम, ठीक है, रजत मतलब चांदी का। हाँ, थोड़ा भी गुण नहीं होता है। अब एल्युमिनियम पढ़ते हैं, देखिए एल्युमिनियम श्वेत रंग की एक धातु है, बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है। यह टन एल्युमिनियम का उत्पादन करने के लिए 3 टन बॉक्साइड की आवश्यकता होती है। 2 टन एल्युमिनियम से 1 टन एल्युमिनियम का उत्पादन होता है। 2 टन एल्युमिनियम से 1 टन एल्युमिनियम का उत्पादन होता है। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2015-19 के आंकड़ों के अनुसार 2020-19 में एल्युमिनियम उत्पादन करने वाला शीर्ष 5 देश बताइए। पहला देश चीन हो जाएगा, दूसरा रूस, तीसरा भारत, तीसरा भारत, और चौथा कनाडा, और पांचवा यूएसए। बताइए सबसे ज्यादा एल्युमिनियम कौन उत्पादन करता है? चीन करता है। भारत नहीं, चीन रूस भारत, कनाडा और यूएसए। विश्व में ऑस्ट्रेलिया के केप यॉर्क प्रायद्वीप एवं वाइप क्षेत्र, संयुक्त राज्य अमेरिका के अराकांसा राज्य का सलाइन काउंटी क्षेत्र एवं पूर्व सोवियत संघ के कोला प्रायद्वीप से बॉक्साइड उत्पादन किया जाता है, ठीक ना। विश्व में बॉक्साइड के प्रमुख क्षेत्र देखिए, ऑस्ट्रेलिया का वाइन क्षेत्र, वाइप क्षेत्र, केप यॉर्क और गिनी का कोनाडी, कोनाकी बंदरगाह का पृष्ठ देश कासा, और घाना का कुमासी क्षेत्र, और कैमरून का डिनाल, इंडोनेशिया का विंटम द्वीप, और मलेशिया का रामुनिया और सारावाक। इसमें एल्युमिनियम होता है। क्वेश्चन करते हैं इसका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य 3 से भिन्न है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है अलग है, क्योंकि एल्युमिनियम का एक्स बॉक्साइट होता है, और ये जो तीनों है लोहा का एक्स होता है। बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? किसकी कच्ची धातु है? एल्युमिनियम की। विश्व में सबसे अधिक एल्युमिनियम का उत्पादक देश बताइए। हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका, नहीं चीन होगा सबसे ज्यादा, चीन होगा। 2019 में चीन हो गया, ये 1993 का ही क्वेश्चन है। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक चीन होगा। ऐसे देखिए इसमें ऑप्शन है फ्रांस, भारत, यूएसए, इटली। ऑप्शन के अनुसार से जो जाएगा भारत को जाएगा। देखिए विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक चीन है, समझेंगे एल्युमिनियम का। अब देखिए हो गया, अब 3 करते हैं। 3, विश्व में प्राप्त होने वाली टीन का अधिकांश प्लेसर निक्षेपों से प्राप्त होता है। विश्व में प्राप्त होने वाली टीन का अधिकांश प्लेसर किससे प्राप्त होता है? निक्षेपों से प्राप्त होती है। यह निक्षेप रिवर बेड्स में पाए जाते हैं। अधिकांश प्लेसर निक्षेप दक्षिण पूर्वी एशिया में फैले हैं। चीन में अधिकांश टीन निक्षेप यूनान के पठारी प्रदेश हैं। दक्षिण अमेरिका में पूर्वी एंडीज प्रदेश में 800 किलोमीटर लंबी तथा 96 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में टीन के निक्षेप मिलते हैं। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार
2020 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार 2019 के आंकड़ों के अनुसार सबसे पहला स्थान चीन उत्पादन में कौन है? चीन है। चीन है। दूसरा पर इंडोनेशिया है, तीसरा म्यांमार है, चौथा कौन है? पेरू है। अब क्वेश्चन करते हैं, इसका टीन मिलता है बताइए। टीन मिलता है प्लेसर निक्षेपों से। 39वां बीपीएससी में पूछा, संसार में टीन का अग्रणी उत्पादक है चीन, कौन है? चीन। सबसे ज्यादा चीन है, तब इंडोनेशिया है। मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है, किंटा घाटी मलेशिया में किसके उत्पादन के लिए? टीन उत्पादन। अब पढ़ते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एक सरल पदार्थ है जो हाइड्रोकार्बन के विभिन्न मात्रा में मिश्रित होने से बनता है। यह विभिन्न रसायनों की मिश्रित मात्रा के अनुसार विविध रंगी होता है। पेट्रोलियम छिद्रयुक्त विशेषकर बलुआ एवं चूना पत्थर जैसी परतदार चट्टानों के जोड़े, रंध्रों तथा दरारों में संचित रहता है। पेट्रोलियम जो है छिद्रयुक्त विशेष प्रकार के बलुआ एवं चूना पत्थर जैसी परतदार चट्टानों में क्या होता है? रंध्रों में, दरारों में रहता है, ठीक है। रोमानिया में 1857 में वाणिज्यिक तेल का कुआं खोदा गया था। रोमानिया में 1857 में वाणिज्यिक तेल का कुआं खोदा गया था। कहाँ खोदा गया था? रोमानिया में। रोमानिया विश्व का प्रथम देश है जिसके कच्चे तेल का उत्पादन का अधिकार ब्योरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभिलिखित किया गया है। कच्चे तेल का सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय ब्योरा किसके पास है? रोमानिया के पास। रोमानिया के पास। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार मध्य पूर्व देश वैश्विक कच्चे तेल के भंडार के 46.2% हिस्सेदारी के साथ शीर्ष स्थान पर है, ठीक ना? देखिए प्रमाणित भंडार के अनुसार, अगर भंडार के अनुसार पूछा जाए तो पेट्रोलियम के, हाँ पेट्रोलियम के भंडार के रूप में पहला स्थान कौन होगा? वेनेजुएला, सऊदी अरब, तीसरा कनाडा, चौथा ईरान, पांचवा में इराक। अगर उत्पादन में पूछा जाए पेट्रोलियम में तो कौन होगा पहला स्थान पर? पहला हो जाएगा आपको, देखिए भंडार सब ज्यादा होगा वेनेजुएला में। अगर उत्पादन पूछेगा सबसे ज्यादा तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, और दूसरा नंबर में रूस में, तीसरा नंबर में सऊदी अरब, चौथा नंबर में इराक, पांचवा नंबर में कनाडा, छठा नंबर में चीन, सातवां नंबर में यूएई, आठवां नंबर में ईरान, ठीक ना? विश्व में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक देश में सऊदी अरब, ईरान, सॉरी एशिया में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादन देशों में सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका, इराक, कुवैत, ओमान, कतर है, ठीक ना? देखिए दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में सुमात्रा, जावा, काली, मंगतन आदि प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। चीन में जेचवाना साइड, यूमेन, सेंसी तथा सुदूर उत्तर पश्चिमी में पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के 31 राज्यों में पेट्रोलियम का भंडार है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 31 राज्यों में जो है पेट्रोलियम का भंडार है। देखिए दक्षिण अमेरिका देश वेनेजुएला विश्व के प्रथम पेट्रोलियम उत्पादक देशों में शामिल है। वेनेजुएला जो है ना विश्व के प्रथम पेट्रोलियम उत्पादक देशों में शामिल है दक्षिण अफ्रीका में। देखिए प्राकृतिक गैस प्राय उन्हीं स्थानों पर मिलती है। अब प्राकृतिक गैस के बारे में, प्राकृतिक गैस प्राय उन्हीं स्थानों पर मिलती है जहाँ खनिज तेल मिलता है। जहाँ खनिज तेल मिलेगा वहाँ वहीं प्राकृतिक गैस मिलेगा, गैस मिलेगा। इसके अतिरिक्त यह कुछ मात्रा में स्वतंत्र रूप में भी पाया जाता है। विश्व में प्राकृतिक गैस के प्रमाणित भंडार की दृष्टि से पहला स्थान किसका है? रूस का। दूसरा स्थान ईरान का। तीसरा स्थान कतर का। चौथा स्थान तुर्कमेनिस्तान का। पांचवा और पूछेगा विश्व में प्राकृतिक गैस के उत्पादन की दृष्टि से पहला स्थान बताइए। पहला स्थान हो जाएगा अमेरिका। उत्पादन की दृष्टि से पहला स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, दूसरा रूस, तीसरा ईरान, चौथा कतर, पांचवा चीन। गैसो होल 90% शीशा रहित गैसो होल एवं 10% इथेनॉल का मिश्रण होता है, जबकि गैसो होल या पेट्रोल एक पेट्रोलियम से प्राप्त या व्युत्पन्न तरल मिश्रण है। इस प्रकार गैसो होल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता वही होगा जहाँ पर गैसो होल एवं इथेनॉल का उत्पादन अधिक होगा। अब देखिए ब्रेंट कच्चा तेल, ब्रेंट कच्चा तेल, हाँ ब्रेंट कच्चा तेल के प्रमुख वर्गीकरण में सबसे बड़ा है। ब्रेंट कच्चा तेल जो है ना, ब्रेंट कच्चा तेल के प्रमुख वर्गीकरण में सबसे बड़ा है, जिसमें ब्रेंट क्रूड, ब्रेंट स्वीट लाइट क्रूड, आसेबर्ग, एकोफिक्स एवं फोर्टिस शामिल है।
अब देखिए जैव ईंधन के लिए गन्ना, मक्का, सोयाबीन, रेपसीड एवं जेट्रोफा का प्रयोग किया जाता है। जैव ईंधन के लिए किसका प्रयोग होता है? जेट्रोफा का प्रयोग होता है। किसका किसका? गन्ना, मक्का, सोयाबीन, रेपसीड एवं जेट्रोफा का प्रयोग होता है। गन्ना मक्का से प्राप्त अल्कोहल को पेट्रोल से मिलकर गैसोहल के द्वारा प्रदूषण की समस्या को कम किया जाता है। देखिए गन्ना मक्का से प्राप्त अल्कोहल को पेट्रोल से मिलाकर गैसोहल के द्वारा प्रदूषण की समस्या को कम किया जाता है। मतलब समझे, गन्ना मक्का से प्राप्त अल्कोहल होता है ना, प्राप्त अल्कोहल को पेट्रोल से मिलाकर और गैसोहल के द्वारा प्रदूषण को कम किया जाता है। जेट्रोफा से प्राप्त तेल की को डीजल को मिलाकर बायो डीजल बनाया जाता है। जो पानी और जल मिला, जेट्रोफा से प्राप्त तेल को डीजल में मिलाकर बायो डीजल बनाया जाता है। इस प्रकार डीजल जिसका प्रयोग डीजल के विकल्प रूप में किया जाता है। ईरान और पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को पीस पाइपलाइन के नाम से भी संबोधित किया जाता है। पीस पाइपलाइन किसको बोलते हैं? जो पाकिस्तान, ईरान और पाकिस्तान में जो गैस पाइपलाइन है उसी को पीस पाइपलाइन बोलते हैं। बताइए विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक? पेट्रोलियम का सबसे बड़ा यूरोप होगा, भारत को तो वही ना, यूएसए होगा प्रथम स्थान पर। प्रथम स्थान में यूएसए। हाँ यूएसए, यूएसए। हाँ अरे वो अब बताइए, वेनेजुएला विश्व का बड़ा तेल उत्पादक केंद्र है? वेनेजुएला तेल उत्पादक केंद्र है, ठीक ना। अब बताइए तेल के कोष सबसे ज्यादा किस देश में है? अमेरिका, चीन, रूस और वेनेजुएला। बताइए तो वेनेजुएला होगा इसका आंसर। पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है सऊदी अरब में, वेनेजुएला में। 2019 के अनुसार वेनेजुएला में, हाँ पेट्रोलियम और वेनेजुएला हो गया, पहले सऊदी अरब। देखिए इसका जो ना इधर उधर होते रहता है, ठीक ना। पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश है? सबसे ज्यादा सऊदी अरब। सऊदी अरब कौन है? सऊदी अरब। सऊदी अरब बताइए तो निम्नलिखित में से किस देश में 1857 में खनिज तेल आर्थिक स्तर पर निकाला गया था? रोमानिया में खनिज तेल 1857 में आर्थिक स्तर पर निकाला गया था रोमानिया। हाँ बताइए रास तनुरा तेल शोधशाला कहाँ है? रास तनुरा तेल शोधशाला कहाँ है? सऊदी अरब में। सऊदी अरब में, ठीक ना। बताइए आप देखिए यूरेनियम पढ़ते हैं। यूरेनियम तत्व की खोज 1789 ईस्वी में मार्टिन क्लाप्रोथ द्वारा पिच ब्लैक नामक अयस्क से की गई थी। यूरेनियम की खोज किस अयस्क से हुआ था 1789 ईस्वी में? पिच ब्लैंड से। अणुशक्ति के दो मार्टिन क्लाप्रोथ अणुशक्ति के दो प्रमुख स्रोत यूरेनियम और थोरियम है। वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के अनुसार कजाकिस्तान विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। कजाकिस्तान जो है ना विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है कजाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया द्वितीय, नामीबिया तृतीय तथा उज्बेकिस्तान पांचवा, कनाडा चौथा, उज्बेकिस्तान पांचवा। विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया है यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार। ऑस्ट्रेलिया है यूरेनियम के सबसे बड़े भंडार दक्षिण अफ्रीका में स्थित ओलंपिक डैम खान में पाए जाते हैं। यूरेनियम में के सबसे बड़े भंडार दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित ओलंपिक डैम के खान में पाया जाता है। यूरेनियम सिटी कनाडा के उत्तर पश्चिम में सस्केंचवा में अथाबास्का झील के उत्तरी किनारे पर अवस्थित है, ठीक ना। देखिए संयुक्त कनाडा में पोर्ट रेडियम एवं इलियट लेक, संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोरेडो पठार एवं ऑस्ट्रेलिया में रेडियम हिल एवं मेरी कैथरीन स्थानों पर यूरेनियम के बड़े भंडार हैं। रेडियम रेडियोएक्टिव रासायनिक अवयव है, इसमें यूरेनियम अयस्क पिच ब्लैंक से प्राप्त होता है, ठीक ना। अब देखिए थोरियम की अधिकतम ज्ञात राशि भारत में केरल के समुद्री तट बालू तथा ब्राजील के पूर्वी समुद्री तट भाग एस्पिरिटो सांटो क्षेत्र है। थोरियम का अधिकतम ज्ञात राशि भारत के कहाँ है? भारत के केरल में। केरल में समुद्र तट बालू, ब्राजील में समुद्र तट भाग एस्पिरिटो साटो क्षेत्र में। इसके अतिरिक्त थोरियम संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तथा पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका संघ, रूस फेडरेशन तथा इंडोनेशिया में प्राप्त होता है, ठीक है। बताइए संसार में यूरेनियम का अग्रगण्य उत्पादक सबसे ज्यादा? कजाकिस्तान का।
निम्नलिखित देशों में कौन सा एक यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है? यूरेनियम का सबसे ज्यादा उत्पादक कनाडा। ऑप्शन में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, जाम्बिया। तो जैसा कनाडा। दुनिया में सर्वाधिक आणविक खनिज उत्पादक देश निम्न में से कौन है? कौन है? ये कनाडा ही होगा। कनाडा उत्पादक देश में कनाडा ही ना होगा। यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में। निम्नलिखित देशों में से किसे यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? कनाडा को। यूरेनियम सिटी कनाडा को। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? पिच ब्लेंड से। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है? सबसे ज्यादा हो जाएगा यहाँ कनाडा। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व के सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? सबसे ज्यादा यूरेनियम कजाकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन रूस के प्रमुख संसाधनों में से नहीं है? निम्नलिखित में से कौन रूस के प्रमुख संसाधनों में से नहीं है? यूरेनियम नहीं होगा। कौन होगा? यूरेनियम। क्योंकि यूरेनियम का हो जाएगा कौन? कजाकिस्तान। देखिए आप जो विविध का थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक ना? हाँ, देखिए विविध में अब थोड़ा सा खनिज का विविध का क्वेश्चन है। दक्षिणी अफ्रीका का पोस्टमासबुर्ग और उसका सीमावर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? मैग्नीज का। प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है किससे? चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से। प्राकृतिक कपूर अगर पूछा गया तो चीन तथा जापान का एक देशज वृक्ष से प्राप्त होता है। कौन सी खनिज सूची अलो धातु को दर्शाती है? अलो जिसमें नहीं होता है। हाँ, जिसमें निकेल, जस्ता, तांबा और एल्युमिनियम में अलो धातु है। निकेल, जस्ता, तांबा और एल्युमिनियम। हाँ, बताइए कोयला का उत्पादक क्षेत्र मिलान करने वाला दिया है? कारगंडा बेसिन। सोना का उत्पादक क्षेत्र? हाई वेल्ड। लोह अयस्क का उत्पादक क्षेत्र? किब्रोई रॉक। खनिज तेल का उत्पादक क्षेत्र? सान जावनी घाटी। अच्छा, खनिज तेल सबसे ज्यादा बताइए वेनेजुएला में, तांबा जाम्बिया में, मैग्नीज गैबन में और बॉक्साइट गुयाना में। बताइए डॉन बॉस बेसिन किस खनिज के लिए जाना जाता है? कोयला के लिए। और मेसावी किस लोएस के लिए? और मोसुल किस क्षेत्र के लिए? मोसुल किसके लिए जाना जाता है? खनिज तेल के लिए। ट्रांसवाल किस क्षेत्र के लिए, मतलब किसके लिए जाना जाता है? सोना के लिए। बताइए बाकू प्रसिद्ध क्यों है? बाकू ये पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। बाकू अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेसावी रेंज जिस उत्पाद के लिए जाना जाता है वह है? लोएस। मेसावी रेंज जो जिस उत्पाद के लिए जाना जाता है वह है लोएस का। बताइए किम्बरले क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए। और विट वाट संडर्स किसके लिए? सोना के लिए। और कटांगा किसके लिए? तांबा के लिए। सार किसके लिए? कोयला के लिए। और बूट किसके लिए? चांदी के लिए। बूट क्षेत्र चांदी के लिए। बताइए संसार में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक है? सबसे ज्यादा टाइटेनियम होता है रूस में, उत्पादन सबसे ज्यादा रूस करता है। चीन करता है, ठीक ना? 2019 के अनुसार चीन करता है। ये 2009 का ही क्वेश्चन है। समय रूस करता था चीन। हाँ, विश्व में सर्व बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक है? बॉक्साइट का ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। जिस खनिज के कारण चिली प्रसिद्ध है, वह है क्या? वह है नाइट्रेट। वह क्या है? नाइट्रेट है। निम्न में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? रूस हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अब देखिए ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत में विशुद्धता शामिल होते हैं। इसका सही आंसर होगा शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। ये ऑप्शन दिया हुआ है, यही ऑप्शन सही है। ये बीपीएससी में 53 और 55 में पूछा हुआ है। निम्नलिखित देशों में कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? आयोडीन सबसे ज्यादा चिली में सबसे ज्यादा आयोडीन होता है। तो आज हम सब लोग पूरा खनिज पूरा कर लिए और पशुपालन और कृषि कर लिए। तो आज हम सब लोग इतना ही रहने देते हैं। आगे जो होगा नगर उद्योग होगा और उसके बाद परिवहन होगा, जो कि लास्ट चैप्टर है परिवहन। उसके बाद हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरा ख़त्म हो जाएगा, घटनाचक्र से पूरा ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखने का प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने का प्रयास करें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।